तो हमारे दो संवाददाता इस वक्त उसी स्पॉट पर हैं जहां पर आज कार्यक्रम और भूमि पूजन होना है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम अविनाश तिवारी से ही बात करेंगे। अविनाश, आप बिल्कुल ठीक इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? चूंकि आज ही कार्यक्रम है, थोड़ी देर में हम देख सकेंगे कि वहां पर बड़े बड़े नेता और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और जो व्यवस्थापक हैं, मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, वो सभी वहां पर मौजूद होंगे। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और पूरे मैदान को एसपीजी ने अपने सुरक्षा चक्र में ले लिया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री तकरीबन 1 बजे के करीब जेवर पहुंचेंगे, जहां पर वो एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। अगर बात करें तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। शंघाई एयरपोर्ट के बाद भारत का जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहाँ पर न सिर्फ यात्री विमान जो है उड़ेंगे बल्कि कार्गो सेवाएँ भी रहेंगी, यानी कि जो माल ढुलाई के लिए तमाम सारे विमान रहते हैं उनके लिए भी यहां पे सुविधाएं रहेगी। और जो फिलहाल में वर्तमान में व्यवस्था की जा रही है, तो जहां 1,30,00,000 से ऊपर यात्री 2024 के बाद यात्रा कर सकेंगे, वहीं अगर बात करें तो 40,00,000 मीट्रिक टन के जो कार्गो की ढुलाई है वो भी यहां से हो सकेगी। और अभी अगर बात करें तो जब पहले फेज में इसका निर्माण होगा तो तकरीबन 1,00,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो भारत सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें। और जिस तरीके से एक भव्य एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रगति के द्वार खुलेंगे बल्कि कि भारत के अंदर भी काफी ज्यादा निवेश आएगा। क्योंकि जब एयरपोर्ट संचालन में आ जाएगा तो उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसको विकसित की जाएगी, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी समृद्ध होगा। और एक नया बिजनेस हब अगर कहा जाए कि जेवर बनेगा तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से निवेश को बढ़ाया जाए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाया जाए, उसकी एक वानगी होगी जेवर एयरपोर्ट। तो आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसका शिलान्यास करेंगे तो रिकॉर्ड समय में इसके बनाने का भी काम होगा, क्योंकि 2021 अब खत्म होने के करीब है और इसके बाद अगर बात करें तो 2024 में यहां से विमान के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। तो कम समय में इस बड़े एयरपोर्ट को संचालन शुरू किया जाएगा और यहां से तकरीबन जो विकास के द्वार हैं उसको खोलने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश बढ़े, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे लोगों को रोजगार मिले। जो एक मुख्यमंत्री की सोच है और प्रधानमंत्री की सोच है उसको कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सोच है, जो विजन है, वो इस एयरपोर्ट से साकार होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। बलराम पांडे भी वहां पर है। बलराम, आप क्या देख रहे हैं वहां पर विशेष? देखिए राजेंद्र, अगर हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इस एयरपोर्ट के स्थापित होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने लगेगी। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो प्रदूषण फ्री होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है जेवर में। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये विकास की एक नई इबारत लिखेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसकी जो खूबियां हैं राजेंद्र, वो ये है कि इस एयरपोर्ट में 6 हवाई पट्टियां होंगी, इसके अलावा यहां पर सर्विस सेंटर भी होगा। अगर हम बात करें तो 6,200 हेक्टेयर में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनके तैयार होगा और इसकी जो कुल लागत है वो 29,650 करोड़ रुपए होगी। तो यानी कुल मिलाकर के बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी लागत है, और इसके जो पहले चरण का काम है वो 1,095 दिनों में पूरा होगा। तो यानी 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी, और ये उड़ान सिर्फ भरी नहीं जाएगी बल्कि ये विकास की उड़ान होगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत जो आसपास के राज्य हैं वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे और विदेशों से निवेश आएगा। ऐसी अपेक्षाएं हैं इस एयरपोर्ट से कि इसमें निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा क्षेत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश और बलराम।